सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्रेड प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप सभी आप अपने फोन के स्टोरेज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, काफी ज्यादा परेशान हो, तो आज ये गलती बिल्कुल मत करना। आज के इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के स्टोरेज को लेकर चार ऐसा हिडन ट्रिक लेके आया हूँ, खुफिया ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपके फोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, लाइफ में कभी नहीं होगा। सो इसीलिए वीडियो को मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट तक जरूर करना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम को ना बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देगा। तो वैसे अगर आप भी अपने फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम को लेकर काफी ज्यादा परेशान और आप उसे ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले करना क्या है, इस वीडियो को एक लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कर देना, और ये जो लाल वाला बटन है इस पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ये हो कि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग जान पाए यार, और वो भी अपने फोन के स्टोरेज प्रॉब्लम को दूर कर पाए। और साथ साथ ही कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार, स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो इतना छोटा सा काम कर लेने के बाद ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि चार चार ट्रिक बताने वाला हूं, पहला जो ट्रिक बताऊंगा ना दो, उससे आप सिर्फ पता कर पाइएगा कि स्टोरेज आखिर कहां कहां से फुल है और कितना फुल है। लेकिन लास्ट वाला जो दो ट्रिक और बताऊंगा, उससे ना आप स्टोरेज प्रॉब्लम को खत्म कर पाओगे, क्लीन कर पाओगे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए पहला ट्रिक क्या है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं, और आप अपने फोन के अंदर जरूर से जरूर करना, क्योंकि ये सेटिंग हर एंड्रॉइड फोन में देखने को मिल जाता है। तो पहले ट्रिक के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन के ना सेटिंग में आ जाना है। तो जैसे कि देख सकते हो मैं सेटिंग में आ चुका हूं, आपको भी आ जाना है। तो यहां पर करना क्या है, थोड़ा नीचे की साइड आपको आ जाना है। नीचे की साइड जैसे आइएगा ना, तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैटरी एंड डिवाइस केयर के नाम से ऑप्शन शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पर देख सकते हो। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टोरेज के नाम से ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि यहां पर आपको दिखा रहा होगा, देख लीजिए यहां पर ये स्टोरेज दिखा रहा है 80 GB फुल, इतना यहां पर देखिए, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक किया ना दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे फोन में कुछ ऐसे फाइल होते हैं, वीडियो होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, जिससे कि हम नहीं रखना चाहते, डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन सिर्फ आपको लगता है कि आपने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि वो पूरी तरीके से फोन में डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारे स्टोरेज को घेर के ही रखा है। यानी कि कुल मिला के ना आप फालतू की चीज को ना डिलीट ही करके रखते हो, ताकि आपका स्टोरेज भरे नहीं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वो चीज डिलीट नहीं होता है, वो सब कुछ यहां ही रहता है इसके अंदर। जैसे कि देखिए इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको दिखा रहा है। अगर आपका डिलीट नहीं हुआ है फोन से, तो इमेज पर आते हो तो यहां पर देखिए सारा इमेज मिल जाएगा, यहां पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे फोटो हैं जिसे मैंने डिलीट किया था लेकिन अभी भी नहीं हुआ। जैसे कि देखिए ये दो फोटो यहां से नहीं हुआ, तो मैं इसे डिलीट करके ना यहां से डिलीट करके स्टोरेज को खाली कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए जो भी आपको स्टोरेज जो कि मैंने यहां पर दिखा दिया, जो भी वीडियो लगता है कि एक्स्ट्रा है, फालतू का है, तो आप यहां से डिलीट करके कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि पहले नंबर का ट्रिक ये रहा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अपने फोन के अंदर ट्राई जरूर करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं फाइनली हम सेकेंड ट्रिक की ओर, जिससे कि हम और जान पाएंगे कि स्टोरेज प्रॉब्लम कहां से होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में जैसे आइएगा तो आपको थोड़ा नीचे की साइड आना है, आपको अपने फोन में अबाउट फोन नाम करके एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि हर फोन के अंदर होता है। तो बस आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक कीजिएगा ना, अगर आप MI का फोन यूज कर रहे हो ना, जैसे कि मेरा ये सैमसंग का फोन है, तो यहां पर देख सकते हो बिल नंबर दिखा रहा है। रियलमी का भी होगा तो बिल नंबर दिखाएगा, लेकिन MI का फोन है तो MI वर्जन दिखाएगा। तो यहां पर आपको 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करोगे तो कुछ फीचर एक्टिवेट होंगे, जो कि स्टोरेज प्रॉब्लम को बताएगा। तो आपको ना एक डेवलपर नाम करके ऑप्शन खुल के आएगा, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। या तो एसेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा रियलमी फोन में, तो आपको इस पर आना है। इस पर जैसे आइएगा ना, तो देखिए यहां पर देख सकते हो मेमोरी के नाम से ऑप्शन है, मेमोरी तो है स्टोरेज है दोस्तों, तो यहां से देख सकते हो। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे कीजिएगा तो यहां पर मिलेगा मेमोरी यूजेज, जो कि यहां पर देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करोगे आपके मेमोरी को जो भी स्टोरेज को घेर के रखा है यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा। देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉइड ओएस, ओ भाई साहब 1.1 GB टोटल घेर के रखा है। और यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड सिस्टम 264 MB, यानी कि देख सकते हो मेरे में तो कम है क्योंकि मैंने बहुत सारा खाली भी किया हुआ है, लेकिन आपके फोन में हो सकता है यहां से ही पूरा स्टोरेज प्रॉब्लम हो। तो यहां पर आपको देखना है कितना कितना जीबी है। मेरे में तो वैसा 1 ही GB है एक में, बाकी 250 MB ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखिए ये भी पता लगा लिए सेकेंड नंबर के ट्रिक से, ये भी पता चल गया कि कितना स्टोरेज भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ दिखा रहा है जो भी है। तो इस पर क्लिक करोगे तो और भी इसमें और फीचर दिखाएंगे, जैसे एवरेज रैम यूजेज 256 MB है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई 100% है जो कि रहना ही चाहिए, इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम रैम यूज है जो कि 259 है, मतलब मैक्सिमम इतना ही रख सकता है, इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इतना है। तो ये था सेकेंड नंबर का ट्रिक जो इससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टोरेज कैसे भरा हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं फाइनली तीसरे ट्रिक की ओर दोस्तों। अब यहां से क्लीन करना शुरू कर देंगे। थ्री नंबर का ट्रिक है ना, वो आपके स्टोरेज प्रॉब्लम को दूर करेगा। कैसे, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अब क्या करना, आपको अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में जैसे आइएगा ना यार, तो आपको यही बैटरी एंड डिवाइस केयर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। नहीं मिलता है तो आपका बैटरी के नाम से मिल जाएगा। तो यहां पर जैसे आइएगा तो आपको यहां पर मेमोरी के नाम से ऑप्शन दिख जाएगा, देख सकते हो है ना। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिए तो ये कुछ तरीके से चेकिंग करेगा, चेकिंग करके कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। यहां पर देखिए ऐप नोट यूजेज रिसेंटली, यानी कि इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर ये वो सारे ऐप है जिसको आप यूज भी नहीं कर रहे हो फिर भी इतना इतना एमबी घेर के रखा है, 33 MB, 9 MB, देख सकते हो ना 86 MB, बहुत सारे हैं, जिससे कि आपका 1 GB भी घेर के रख सकता है दोस्तों। जब घेर के रखिएगा तो ऑब्वियसली बात है स्टोरेज प्रॉब्लम तो होगा ही, फिर हीटिंग प्रॉब्लम, हैंगिंग प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। तो ये अगर ठीक हो जाए ना स्टोरेज प्रॉब्लम, तो सब प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है फोन का। तो यहां पर क्या करना है, बैक आइएगा ना, तो यहां पर आपको क्लीन नाउ दिखेगा, बस आपको एक बार इस पर क्लिक कर लेना है। ये स्कैनिंग करके ना पूरा क्लीनिंग करना चालू कर देगा, देख सकते हो कैसे कैसे ये क्लीनिंग हो चुका है आपके फोन के अंदर, क्लीन पूरा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हो चुका है सब कुछ क्लीन, अब आपके फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज कर भी ले तो ना, हो सकता है कुछ बच भी जाता है, तो ये चार नंबर के ट्रिक का ना यूज कीजिएगा तो बचे कुछ सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीन नंबर का ट्रिक भी प्रॉब्लम ठीक कर दिया ही लगभग 90% है, 10% है जब ही चौथा नंबर ट्रिक करेगा। तो कैसे, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए। चौथे नंबर के ट्रिक के लिए ना आपको एक ऐप चाहिए होगा दोस्तों, जो कि बच्चे कुचे प्रॉब्लम को ये ठीक कर देगा। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एप्लीकेशन को जैसे ओपन कीजिएगा तो ये लाइक कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये क्या करेगा, सबसे पहले तो यहां पर स्कैन इम्पटी फोल्डर होगा, बस इस पर आपको क्लिक करना है, एक बार ओके कर देना है, परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है दोस्तों। इसे जैसे कर दीजिएगा और यहां से स्कैनिंग कर दीजिएगा ना, तो ये स्कैनिंग करना चालू कर देगा। तो देखिए कितना सारा फोल्डर, यानी फालतू का फोल्डर जो कि यहां पर लाके आपको बता दिया है, कितना सारे ये फोल्डर है जो कि आपके स्टोरेज को घेर के रखा हुआ है। तो अभी से हम डिलीट कैसे करें, यहां पर देखिए इम्पटी डिलीट इम्पटी फोल्डर इंटरनल से, इसे डिलीट, ये सिर्फ इंटरनल में हुआ। तो यहां पर क्लिक कीजिए, स्कैनिंग करके ये सारे स्टोरेज प्रॉब्लम को खत्म करेगा। देख लीजिए स्कैनिंग हो रहा है, और भी यहां पर कर देता हूं एक बार। तो यहां पर देखिए हो गया सब कुछ, यहां पर देखिए हो चुका है, पूरा स्टोरेज खाली हो चुका है। अगर एसडी कार्ड का भी करना चाहते हो तो कर सकते हो यहां से दोस्तों। तो यही था चार ट्रिक दोस्तों, जो कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना था दोस्तों। आप सब कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका स्टोरेज प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने लाइव प्रूफ आपको करके दिखा दिया है वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि इस वीडियो में आपको स्टोरेज से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका होगा दोस्तों। तो अगर ये ट्रिक आपको, चारों ट्रिक जरा से भी पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करके ना बिल्कुल सपोर्ट कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ साथ ही ना बेल आइकन पर दबा के ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करते ही रहता हूं। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो चलिए हम मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।